जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL का जो फॉर्म है ना वो 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है। तो इसका फॉर्म जो है ना जब भी आप अपने मोबाइल फोन से भरने जाते हैं तो इसका फॉर्म काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। अगर आप ये मतलब थोड़ा बहुत भी फॉर्म के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप फॉर्म भर लेंगे। लेकिन फॉर्म भरने में क्या है ना, एक फोटोग्राफ जो कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बिना कैप का यानी कि बिना टोपी का होना चाहिए और 3 जनवरी 2023 के बाद होना चाहिए, और एक आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 KB का होगा JPEG JPG फॉर्मेट में, और यहाँ पे जो कैप फोटो होगा वो 20 से 50 KB का होगा। तो आपको क्या करना है ना कि चूज फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो सपोज दैट मुझे ये फोटो जो है ना ये इमेज अपलोड करना है, इस पर अगर हम क्लिक करके यहाँ पे डन करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइज शुल्ड बी बिटवीन 20 से 50 KB, मतलब ये अपलोड नहीं हो रहा है। जैसे सिग्नेचर पे हम कर दिए, ये सिग्नेचर अपलोड करना है, डन करना है, देखिए साइज साइज शुल्ड बी 10 से 20 KB। तो अब सवाल आता है ये कि जो है ना हम फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, जैसे मुझे फॉर्म भरने में पूरा चीज़ नॉलेज है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो यहाँ पे फोटो अपलोड करना है ना इसको हम कैसे अपलोड करें, सिग्नेचर को कैसे अपलोड करें। तो आज के इस वीडियो में यहीं आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है ना कि अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, आपको क्रोम ओपन करना है, और क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रिसाइज इमेज, आपको RESI और यहाँ पे ZE रिसाइज, और उसके बाद क्या करना है ना इमेज EIMA। जैसे ही आप रिसाइज इमेज लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो रिसाइज इमेज ऑनलाइन रिसाइज JPG BMP GIF PNG इमेज, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब इसी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रिसाइज इमेज का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगा। ये मैं मोबाइल के लिए बता रहा हूँ, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब आप इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे एक सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे फाइल में आएंगे तो फाइल में आने के बाद जैसे देखिए मान लीजिए सपोज दैट कि देखिए ये जो मेरा फोटो है ये है 445 KB का, तो मुझे 20 से 50 KB का बनाना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 434.27 KB का है, और यहाँ पे आके और यहाँ पे देखिए जो क्वालिटी है ना ये 90% है, 90% पे अगर हम रिसाइज इमेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऊपर करके आ रहे हैं तो देखिए कितना हो रहा है, 4.66 KB का मेरा फोटो हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे ना कि ज़्यादा करेंगे। अब इसको हम कट करते हैं, और कट करने के बाद यहाँ पे हम 96 करते हैं, पहले 90 था अब 96। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट JPG है, तीन फॉर्मेट है JPG PNG GIF, तो JPG फॉर्मेट में रख के और 96 करके यहाँ पे रिसाइज इमेज पे हम क्लिक करते हैं। अब 96 करने के बाद देखिए 109 KB का हो जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा और कम करेंगे, और थोड़ा और कम करके हम इसको 93 कर रहे हैं, और 93 करके सेलेक्ट यहाँ पे रिसाइज इमेज पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 76 KB का हो रहा है, हम इसको 91 कर रहे हैं, 91 देखिए। अभी चाहे तो हम एक बार में ही कर लेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ करके ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पे 91 पे 65 KB आ रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे और इसको हम 88 कर रहे हैं, 88 करके और यहाँ पे रिसाइज इमेज करेंगे, देखिए 88 पे 54 KB का आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा और के भी देखिए कैसे KB कम किया जाता है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम 82 करेंगे, 82 करके और यहाँ पे देखिए रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए 40.9 KB, तो ये 20 KB से ज़्यादा है और 50 KB से कम है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए 40.9 KB का हमारा जो है ना इमेज डाउनलोड हो गया। फिर से हम SSC के वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके देखिए इसी इमेज को हम अभी यहाँ पे हम ब्राउज में क्लिक करते हैं, और ब्राउज में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जैसे हम डाउनलोड में आ जाते हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्स में हम आ गए, यहाँ पे देखिए डाउनलोड में हम आ गए। अब यहाँ पे डाउनलोड में देखिए अभी ये 40 KB का हम इमेज बनाए हैं, ये 41 KB का है, इसी पे हम क्लिक करते हैं, देखिए हमारा जो फोटो है वो अपलोड हो गया। अब सिग्नेचर की बारी आती है, तो फिर से हम इसी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है ना कि देखिए यहाँ पे इस इमेज को कट कर देना है, और कट करके यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करना है और फाइल में आना है, और फाइल में आने के बाद आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे जैसे देखिए इस इमेज को देखिए इस सिग्नेचर को हम ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट मानिए कि मुझे ये सिग्नेचर बनाना है, इस सिग्नेचर को हम ले लेते हैं। और लेने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है,
82 क्वालिटी है, हम इसको 82 पे रिसाइज कर रहे हैं। अगर 82 पे कर रहे हैं तो 2.95 KB का आ रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको हम 100 के पर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कट किए और यहाँ पे 100 कर दिए, और 100 करके और रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए 14.15 KB का हमारा सिग्नेचर हो गया। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे, देखिए हमारा इमेज जो है वो 14-15 KB के आसपास डाउनलोड हो गया है। अपलोड करना है कितना, तो 10-20 KB का, तो हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ब्राउज में जाएंगे, और ब्राउज में जाने के देखिए डाउनलोड में देखिए 14-14 KB का हम बनाए थे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए फोटो भी अपलोड हो गया और सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। तो आप भी अपने मोबाइल फोन से जो भी फोटो को बनाना चाहते हैं ना, वो फोटो को अभी जो हम प्रोसेस बताए हैं, इस प्रोसेस के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है ना कि कुछ नहीं करना है, बस आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो को अपने मोबाइल के कैमरे से फोटो खींच लेना है, उसको क्रॉप कर लेना है, और जो प्रोसेस मैंने बताया वो चाहे कितना भी केबी का हो आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप SSC CGL का आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप आपको SSC CGL यानी ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका फॉर्मेट कैसे सही करना है, ये आपको पता चल गया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद दोस्तों।